तो तुनिशा ने जिस मेकअप रूम में सुसाइड किया उसी मेकअप रूम में इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस ने वहां पर जाकर जांच की है। तुनिशा शर्मा केस में पुलिस लगातार शिजान खान से पूछताछ कर रही है। इस बीच तुनिशा केस से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सीरियल उसी जगह का है जहां तुनिशा की डेड बॉडी मिली है। ये वीडियो शिजान के मेकअप रूम का है। बताया जा रहा है कि इसी पुलअप बार में लटक कर तुनिशा ने खुद को फांसी लगाई। तुनिशा ने एक कपड़े की मदद से इस पुलअप बार से अपना गला दबाया, अपने आप को लटकाया और उसके बाद दम घुटने की वजह से तुनिशा की मौत हो गई। ये 8 से 9 फीट ऊंचाई है इस पुलअप बार की जमीन से। और इसी पुलअप बार की जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें शिजान और तुनिशा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तुनिशा शिजान की मदद से शिजान ने तुनिशा को गोद में उठाया है और उसी पुलअप बार पर लटक कर तुनिशा एक तरीके से कहीं वर्कआउट कर रही है और उसका वीडियो बकायदा बनाया गया और इसी पुलअप बार से लटक कर तुनिशा ने आत्महत्या की। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस पुलअप बार की ऊंचाई जमीन से लगभग 8 से 9 फीट ऊंची है और ये वीडियो कुछ दिन पहले तो ये शिजान के मेकअप रूम का वीडियो है जिस मेकअप रूम में तुनिशा ने लटक कर आत्महत्या की। ये पुलअप बार से एक कपड़े को बांधकर तुनिशा ने उस कपड़े से लटक कर ही आत्महत्या की। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज साफ हो चुकी है कि तुनिशा का दम घुटने की वजह से ही तुनिशा की मौत हुई है। कल दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच तुनिशा की डेड बॉडी शिजान के मेकअप रूम में मिली। मौत से करीब 5 घंटे पहले तुनिशा ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो सीरियल अलीबाबा दास्ताने काबुल के सेट का है जिसमें तुनिशा मेकअप कराती हुई नजर आ रही है। तुनिशा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है और वो कुछ घंटे बाद ऐसा कदम उठा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों तुनिशा ने 5 घंटे के बाद खुद को फांसी लगा ली। ये वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तुनिशा अपनी टीम से मेकअप करवा रही है, बाल सेट करवा रही है और ये किसी शॉट से पहले का वीडियो है जिसमें तुनिशा मेकअप करवाती हुई दिखाई दे रही है। मौत से महज 5 घंटे पहले तुनिशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसे पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लाइफ में कितनी पॉजिटिव थी। इस पोस्ट के साथ तुनिशा ने कैप्शन में लिखा, जो जुनून के दम पर आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 5 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि महज 20 साल की तुनिशा ने फांसी लगाकर के लिए अपने को स्टार शिजान का मेकअप रूम चुना। तुनिशा इस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है कि कितनी खुश है। एक जिंदा दिल लड़की आखिर इस तरीके का कदम क्यों उठाएगी। शिजान के मेकअप रूम में ही जाकर तुनिशा ने अपने आप को फांसी क्यों लगाई। एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हैंगिंग की वजह से तुनिशा की मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। विसरा रिपोर्ट से खुलासा होगा कि मौत की वजह कोई बड़ी साजिश थी या फिर ये सिर्फ महज सुसाइड है। तुनिशा ने उस पुलअप बार से लटक कर अपने आप को हैंग किया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और इसीलिए हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।